पान के पत्ते को हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। किसी भी पूजा पाठ में पान के पत्ते का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ होता है। इसके बिना कोई भी पूजा पाठ या वैदिक कर्मकांड नहीं होते हैं। मान्यता है कि देवताओं ने समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते से विष्णु भगवान की आराधना की थी, तब से ही पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि इसे देवताओं का सबसे प्रिय बताया गया है। पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास माना जाता है। पान के पत्ते का उपयोग करके आप न केवल इष्ट पूजा कर सकते हैं, वरन अपनी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। पान के पत्ते न सिर्फ सफलता दिलाते हैं, बल्कि इनके इस्तेमाल से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं पान के पत्ते के कुछ उपायों के बारे में, जो आपकी समस्या को सुलझाएंगे। शनिवार के दिन 5 पान के डंठल वाले पत्ते तथा 5 ही पीपल के पत्ते लेकर उन्हें एक धागे में माला के रूप में बना लें। अब इसे अपने व्यापार स्थल पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए बांध दें। ऐसा लगातार 5 शनिवार तक करने के बाद उन सभी पत्तों को बहती नदी या किसी कुएं में बहा दें। इसके तुरंत ही बाद व्यापार आपका चल निकलता है। यदि आप पर कोई आकस्मिक आपदा आ गई हो या जन्म कुंडली में दुष्ट ग्रह ने प्रवेश किया हो, तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह हनुमान जी को पान के पत्ते पर एक बूंदी का लड्डू और 2 लौंग रखकर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी तरह की कठिनाइयां दूर होंगी। अगर जीवन में कोई ऐसी विपदा आ गई है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, तो हनुमान जी को अच्छे से तैयार किया गया पान का बीड़ा चढ़ाएं। इससे बजरंग बली प्रसन्न होंगे और व्यक्ति के समस्त कष्टों को हर लेते हैं। घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी होने पर डंठल वाले पान के पत्ते से पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप नवरात्रि में पान के पत्ते का प्रयोग करके शीघ्र विवाह के रास्ते बना सकते हैं। सबसे पहले साबुत डंडी वाला पान का पत्ता लें, सिंदूर और देसी घी को मिलाकर पेस्ट बना लें। पान के पत्ते के चिकने हिस्से पर अपना पूरा नाम लिखिए। इसको माता के चरणों में रख दें और प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। यह प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करें। नवरात्रि में रात की पूजा का ज़्यादा महत्व है। अगर आप रात के समय यह प्रयोग करेंगे तो आपके शीघ्र विवाह के योग जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। अगर आपको कोई खास मनोकामना पूर्ण करवानी है, तो आप सावन के महीने में रोज़ शिवलिंग पर एक पान का पत्ता चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या दूसरों को खुश करना चाहते हैं, उन्हें घर से निकलते वक्त मीठा पान खाकर जाना चाहिए। इससे ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। अगर आपके पति का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है, वह अब वे ज़्यादा आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक पान के पत्ते में केसर और चंदन का पाउडर मिला लें। अब इसे देवी दुर्गा के सामने रख कर चंडी शस्त्रोत का 43 दिन तक पाठ करें, यानी 43 डेज तक आपको ये पाठ करना है। ऐसा करते ही आपके पति आपके वश में हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए पान के पत्ते में 7 गुलाब के फूल की पत्तियां डालकर पीड़ित को खिला दीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और उसकी नज़र उतर जाएगी। अगर आपका कोई काम पूरा होने से पहले ही अटक जाता है, तो आपको प्रत्येक रविवार अपने साथ एक पान का पत्ता लेकर घर के बाहर जाना चाहिए। ऐसा करीब 2 महीनों तक करना होगा। ऐसा करने से आपके काम बनने लगेंगे। अगर आपका रिश्ता बार बार टूट जाता है व लड़की व उसके घर वालों को आप पसंद नहीं आते, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए भी पान के पत्ते का टोटका बहुत उपयोगी है। इसके लिए आपको लड़की व उसके परिवार वालों में से मिलने से पहले माथे पर
पाम के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगाना होगा। यानी जब भी आप लड़की को देखने जाएं या मिलने जाएं, तो एक पाम के पत्ते की जड़ को घिस लें और उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं, उसके पश्चात ही आप जाएं। अगर किसी को आर्थिक समस्या हो तो इससे छुटकारा पाने के लिए पान के पत्ते में देसी घी की भीगी हुई 2 लौंग और 1 बताशा रख दें। अब इसे आग में जला दें। अगर ये उपाय होलिका दहन के दिन किया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग कार्य में सफलता चाहते हैं, उन्हें बुधवार के दिन गणेश जी को 11 पान के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इससे गणेश भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर किसी के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो इससे बचने के लिए शनिवार के दिन 1 पान के पत्ते में 2 कपूर और 2 लौंग रखकर शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे समस्या दूर हो जाएगी। तो ये थी जानकारी पान के पत्ते के बारे में, जिसका उपयोग करके आप अपने सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।